Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, it's our 6th standard. And the book we consulted is Geography. Our today's chapter is India Climate, Vegetation and Wildlife. हाँ तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी की किताब से. तो T2 से ये हमारा चैप्टर. हमारे चैप्टर का नाम है इंडिया, जो हमारा मुल्क है, इसका क्लाइमेट कैसा है, इसकी वेजिटेशन क्या है और इसके वाइल्ड लाइफ के बारे में हमें पढ़ना है. क्या क्या वाइल्ड लाइफ यहाँ पे होती है, कि जंगलातों में कौन कौन से जंगली जानवर पाए जाते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में. वेदर क्या है? द वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर. वेदर किसे कहते हैं? वेदर कहते हैं द वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर. यानी दिन रोज बरोज जो एटमॉस्फेयर में चेंज होते हैं उसे क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं. अब द मेजर सीजन इन इंडिया, जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इसमें जो मेजर सीजन है वो कितने हैं? वो है चार. वो कितने हैं? चार सीजन हैं. कौन कौन से? कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, साउथ ऑफ द ट्रीटिंग मानसून. ओके, द मेजर सीजन इन इंडिया, द मेजर सीजन इन इंडिया आर चार हैं. कितने हैं? चार हैं. नंबर वन, कोल्ड वेदर सीजन. कोल्ड वेदर सीजन. नंबर टू, हॉट वेदर सीजन. हॉट वेदर सीजन. नंबर थ्री, साउथ वेस्ट मानसून सीजन. साउथ वेस्ट मानसून सीजन. नंबर फोर, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. कोल्ड वेदर सीजन कौन सा है? यानी सर्दियों का, जाड़ों का मौसम. जिस मौसम में हमारे कश्मीर में बर्फ पड़ती है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, वो कौन सा है? कोल्ड वेदर सीजन है वो. उसके बाद हॉट वेदर सीजन है गर्मियों का मौसम. क्या होता है वो गर्मियों का, यानी जून जुलाई वगैरह का मौसम. उसके बाद है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, यानी साउथ वेस्ट से जो मानसून उठते हैं, लहरें उठती हैं, मानसून उठते हैं और बरसात होती है, ये वो सीजन है. उसके बाद सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ये भी जो है मानसून का सीजन है. ओके, अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन. क्या है कोल्ड वेदर सीजन? आर विंटर सीजन. यानी कोल्ड वेदर सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे. कोल्ड वेदर सीजन, इसको इसका दूसरा नाम क्या है? विंटर सीजन. विंटर सीजन भी इसको कहते हैं. ये क्या है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन सीजन ड्यूरिंग द विंटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन कूल ड्राई विंड कूल ड्राई winds blow from the north to the south, from the north to the south, to the south.
द सन रेज डज नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. इन द रीजन क्या होता है ये कोल्ड वेदर सीजन में या विंटर सीजन में क्या होता है इसमें. ड्यूरिंग द विंटर सीजन कूल ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ. यानी क्या होते हैं इस सीजन में जो होता है इस सीजन में ठंडी और ड्राई विंड जो होती है खुशक लहरें जो होती हैं हवाओं की वो चलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ. और क्या होता है द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. तो जब ये चलती है तो इस रीजन में जो सन रेज होती हैं सूरज की किरणें जो होती हैं वो डायरेक्टली इस पे नहीं पड़ती हैं. ओके okay?